नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज है 18 मार्च 2019। आज की UPSC की बहुत बड़ी खबरों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और साथ ही साथ UPSC 2018 के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और RI टेक्निकल के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोनों खबरों को हम विस्तार से बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो साथियों, उसके साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पे बरकरार रहे और आप एग्जाम में सफल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं विभाग का ये परीक्षाओं के परिणाम। अमर उजाला ब्यूरो की आज की ताज़ा खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कई परीक्षाओं के परिणाम विवादों में फंसे हैं। आयोग ने परीक्षाएँ तो करा दी हैं, लेकिन बाद में इन परीक्षाओं को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा गया है। इनमें LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, RI टेक्निकल परीक्षा, PCS 2018 को प्रारंभिक परीक्षा आदि शामिल हैं। हालांकि आयोग ने शनिवार को LT ग्रेड शिक्षा की परीक्षा के दो विषयों का परिणाम जारी किया है। आयोग ने इन परीक्षाओं का परिणाम इसलिए जारी कर सका क्योंकि इन विषयों को लेकर कोई विवाद नहीं था, और इसके अलावा ज़्यादातर विषयों में कोई ना कोई विवाद है, और तकरीबन 1500 रिटें कोर्ट में दाखिल हैं। आयोग ने LT ग्रेड परीक्षा के तहत केवल 27 पदों का परिणाम जारी किया है, जबकि भर्ती 10,000 पदों से अधिक पर होनी है। बाकी जिन विषयों में विवाद है उनके परिणाम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, और अन्य विषयों के परिणाम कब जारी किए जाएंगे यह बात आयोग अभी स्पष्ट करने की तैयार नहीं है। इसके अलावा RI टेक्निकल के 79 पदों पर भर्ती होनी है, इसके लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस परीक्षा का परिणाम भी फंसा हुआ है, ठीक है। तो यही खबर थी। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं साथियों, तो UPSC की तरफ से डेंटल परीक्षा में जो है कल आयोजित कराई गई थी, तो इसमें देखिए क्या पूछे गए थे। UPSC डेंटल सर्जन परीक्षा में पूछी गई माघ पूर्णिमा की स्नान तिथि, तो आप लोग माघ पूर्णिमा किस नाम तिथि बता सकते हैं क्या है, कमेंट में बताएं जरूर, ठीक है। और लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों से कुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान की तिथि के बारे में पूछा गया। परीक्षा में कुल 150 सवाल आए, जिनमें 30 सवाल सामान्य अध्ययन और बाकी 120 विषय से पूछे गए हैं। प्रयागराज एवं लखनऊ के 33 केंद्रों में हुई परीक्षा में 39.8% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। डेंटल सर्जन के 595 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा प्रयागराज के 10 और लखनऊ के 23 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल 15,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें 9,094 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 6,097 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 11 बजे तक हुई। इस दौरान अभ्यर्थियों को 150 सवालों के जवाब देने थे। प्रत्येक सवाल एक अंक का था। प्रश्न पत्र वस्तु प्रकार का था। सामान्य अध्ययन से 30 सवाल पूछे गए, इनमें से एक सवाल था कि यूपी में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। विकल्पों में प्रयागराज का नाम भी शामिल था। कुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान की तिथि क्या थी, यह सवाल भी आया था, ठीक है। तो ये खबर थी आज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।